और आपको बताएं कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि जितना मर्जी चाहे दबाव डाल लें, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात खराब नहीं होंगे। उनका कहना था कि ताज्जुब की बात है कि अमेरिका और दूसरी मगरबी ताकतें हमसे कहे कि किसी एक की हिमायत करे, जबकि पाकिस्तान तो हर किसी के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। ये रिपोर्ट देखते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा है कि बहुत अजीब है कि बड़ी ताकतों के दरमियान मुखासमत बढ़ रही है, अमरीका और चीन के दरमियान दूरियां बढ़ रही हैं। मुझे इस बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं, अवाम सब जानती है कि चीन और अमरीका जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं ये चीज मसाइल पैदा करेगी। अमरीका इमदाद के बदले पाकिस्तान से हर वो काम करवाना चाहता है जो वो चाहता है। हम नहीं चाहते एक बार फिर लाखों अफगान मुहाजरीन पाकिस्तान आ जाएं। तालिबान को कह रहे हैं कि वो ताकत के जोर पर काबुल फतह न करें। अगर तालिबान काबुल पर काबिज हो गए तो पाकिस्तान अफगानिस्तान से मुल्हिका अपनी सरहदों को बंद कर देगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये बात अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को खसूसी इंटरव्यू देते हुए कही। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि अमरीका इनखला से पहले अफगानिस्तान का सियासी हल निकाले। पाकिस्तान काबुल में अवामी वोट से आने वाली हुकूमत को तस्लीम करेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने तालिबान को अमरीका के साथ मुज़ाकरात पर मजबूर किया था, लेकिन अमरीका ने इनखला की तारीख दी तो तालिबान पर हमारा कंट्रोल खत्म हो गया। हम चाहते हैं कि अमरीकी इनखला से पहले अफगानिस्तान का सियासी हल निकले। पाक भारत तालुकात के बारे में बात करते हुए उनका कहना था कि नरेंद्र मोदी का हिंदुत्व का नजरिया हमारे और उसकी राह में रुकावट है। मैंने तो हल्फ उठाते ही भारत के साथ तालुकात में मजीद बेहतरी की बात की थी। खबर अब्बास, CNN न्यूज, इस्लामाबाद।